ले जा करके और संसद में दिखाना, ये महादेव का अपमान है, भगवान शिव का अपमान है। जहाँ भगवान शिव है वहाँ तो हम श्रद्धा से बात करते हैं, आस्था से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जेब से निकाला एक फोटो और दे, भगवान शिव कोई कोई फिल्मी कलाकार थोड़े हैं। भगवान शिव देवादिदेव महादेव, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासो भजेयम। ये गलत है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। सबसे पहले तो माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी जी को कि भगवान शिव कोई नौटंकी के पात्र थोड़ी है, जिस तरह जेब से निकालो संसद के पटल पर रख दो। दूसरी बात, उन्होंने हिंदुओं को कोसने का ठेका ले रखा है क्या? आप हिंदुओं को हिंसक कह रहे हैं, हिंसा से हिंदुओं का मतलब क्या? जिस धर्म में चींटी को मारने की अनुमति नहीं है, उस हिंदू समाज को आप हिंसक बता रहे हैं? मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को ऐसा लगता है कि हिंदुत्व को मिटाए बिना, हिंदुत्व को खत्म किए बिना, हिंदुओं को गाली दिए बिना, हिंदुओं को क्रिटिसाइज किए बिना बीजेपी को नहीं हराया जा सकता। पहले वो समझते थे कि बीजेपी हिंदुत्व है, अब उन्हें लगता है हिंदुत्व ही भाजपा है। आज उन हिंदुओं को बड़ी ठेस लगी होगी, बड़ी तकलीफ हो रही होगी जिन्होंने इन्हें वोट दिया है। ये बहुत बड़े चिंतन का विषय है और पूरे विपक्ष के उन नेताओं को भी सोचना पड़ेगा। मैं पूरे विपक्ष के राजनीतिक दलों के नेताओं में पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव जी से, जवाब दें ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव बताएं, राहुल गांधी जी को उन्होंने अपना नेता चुना है, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी, ममता बनर्जी जी, अरविंद केजरीवाल जी, सब बताएं, क्या हिंदू हिंसक है? क्या हिंदुओं ने आपको वोट नहीं दिया है? जिन हिंदुओं ने आपको वोट दिया है वो कितना दुखी हो रहे होंगे कि पूरी कम्युनिटी को हिंसक बताया जा रहा है। मुझे लगता है कि राहुल जी को हिंदू समाज से क्षमा याचना करनी चाहिए, जो वो नहीं करेंगे। फिर भी मैं अनुरोध कर रहा हूं और मैं अपेक्षा करता हूं कि उन्हें करनी चाहिए। आपको नहीं लगता तरीके से राहुल गांधी का रवैया रहा पार्लियामेंट के अंदर, और उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर भी कटाक्ष किया कि प्रधानमंत्री बायोलॉजिकल नहीं है, अवतार है, इनकी सीधी बातचीत परमात्मा से होती है, इस तरह के बातों से एक बड़े समाज को आज आघात पहुंचा है? प्रधानमंत्री को जो लोग फॉलो करते हैं, देश में विदेश का विजिटर होते हैं, उन देखिए, तमाम लोग सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, सवाल एक पार्टी का नहीं है, सवाल भारत का है, सवाल भारत के अस्तित्व और अस्मिता का है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का, किसी एक राज्य का नहीं होता। प्रधानमंत्री जब बन जाता है तो भारत को रिप्रेजेंट करता है, उसका सम्मान होना चाहिए, जो राहुल गांधी करना नहीं चाहते। राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करते हैं कि उनसे नफरत करते 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 वो इस देश से नफरत करने लगे हैं। और ये ईर्ष्या, उनका जो भाव है, ईर्ष्या का जो भाव है, ये उनके शब्दों में आ जाता है। हमारे यहाँ संस्कृति है, हमारे यहाँ सभ्यता है, वो लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर भी टिप्पणी कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने आज बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमसे कोई बड़ा आता है हम उसे प्रणाम करते हैं, लेकिन भारत की संस्कृति की बातें राहुल जी की समझ में नहीं आ सकती। उनकी समझ में भारत की संस्कृति और सभ्यता की बातें नहीं आएंगी जिनकी परवरिश विदेशी तरीके से हुई है। अभय मुद्रा की बात, विदेशी सभ्यता की बात करते हो तो अभय मुद्रा का जिक्र कर रहे हैं कि तमाम धर्मों में अभय मुद्रा का मतलब उनके पार्टी के तरफ इशारा है, शांति का एक संदेश है अभय मुद्रा में। वो रिलीजन की बात करें तो चाहे वो इस्लाम हो, तो एक आपको लगता है धार्मिक पकड़ राहुल गांधी की बड़ी है? मुझे लगता है उन्हें मुद्रा का अर्थ ही नहीं पता, वो मुद्रा वो सोच रहे होंगे धन, पैसा, करेंसी।
आप तो अभय मुद्रा की बात करते हैं, उनकी टीम ने उन्हें कुछ सिखाया होगा सुबह, उनका क्या लेना देना साधना से, उनका क्या लेना देना संस्कारों से, उनका क्या लेना देना भारत की संस्कृति और सभ्यता से। कभी उनके मुंह से सुना है कि वंदे मातरम का नारा सुना है आपने? कभी उनके मुंह से सुना प्रणाम शब्द सुना है, राम राम सुना है, भारत माता की जय सुना है? कभी आपने उनके मुंह से सुना है? नहीं सुना होगा। ये सब की सब जो बातें हैं ये सब बेईमानी है। हिंदुओं को गाली देना तो उनका शौक बन गया, फैशन बन गया है। पर आज सवाल ये है कि लोकसभा के पटल पे जो राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदू समाज को गाली दी है, क्या उससे अखिलेश यादव सहमत है? जवाब देना। ये वो सब नेता हैं जिन्होंने अपना नेता राहुल जी को चुना है। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से नहीं है, मेरा सवाल आज विपक्ष के उन नेताओं से हैं जिन्होंने राहुल गांधी जी को अपना नेता चुना है। क्या हिंदू समाज हिंसक है? क्या हिंदू समाज हत्यारा है? क्या हिंदू समाज अहंकारी है? क्या हिंदू समाज जो भी राहुल जी कह रहे हैं उससे सहमत है? ये जवाब इनको देना चाहिए और देना पड़ेगा। आपको नहीं लगता है कि राहुल का जिक्र किए और जो बात आप कह रहे हैं, तस्वीर भी उन्होंने दिखाई, तो एलओपी के नाते इंडिया अलायंस की तरफ से आम सहमति बनी होगी इस बात पर, तभी राहुल गांधी ये तमाम वक्तव्य दे रहे हैं, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, इंडिया अलायंस की सहमति के बिना वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, विपक्ष के नेताओं ने राहुल जी को अपना नेता चुन लिया, लेकिन विपक्ष के नेताओं को ये समझना चाहिए कि कांग्रेस को बर्बाद करने में उन्हें 15 वर्ष लगा, पूरे विपक्ष को, पूरे विपक्ष की नैया डुबोने में उन्हें कितना समय लगेगा। आज तो पहला दिन है, अभी तो शुरुआत है। इफ्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जिस तरह से कांग्रेस को बर्बाद किया है राहुल जी ने, पूरे विपक्ष को भी बर्बाद करने में उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पूरे विपक्ष को जवाब देना पड़ेगा कि क्या